यूपी के लखीमपुर खीरी में थप्पड़ कांड, बवाल और हंगामे के बाद पहले एसपी गणेश प्रसाद साहा ने मोर्चा संभाला था और विधायक योगेश वर्मा व बार अध्यक्ष अवधेश सिंह से बात की थी। इसी बीच लखीमपुर खीरी पहुंचने की खबर मिल रही है आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार की। मौके पर प्रशांत कुमार पहुंचे हैं और हकीकत जानने के लिए वो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। इस दौरान ये जो निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया है लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी हुई, उससे संबंधित एक अहम खबर आ रही है इंडिया पर। तो पूरी अपडेट के लिए हम फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या कुछ अपडेट आ रही है लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी हुई और जो आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे हैं, इस दौरान उन्होंने किससे क्या बातचीत की और क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए प्रियांशु जी, जैसा कि इंडिया सुबह से ही ये खबर दिखा रहा है, लगातार दिखा रहा है, पल पल की घटनाक्रम की खबर अपने आइडिया के दर्शकों को भी बता रहा है, इसी क्रम में अभी अभी जो अपडेट हुआ है वो ये कि आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार घटना स्थल पर पहुंचे हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ और जो सदर विधायक योगेश वर्मा के समर्थक थे उन्होंने काफी नारेबाजी की। उस नारेबाजी में दो तीन चीजें निकल के आ रही थी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इंस्पेक्टर अंबर सिंह का ट्रांसफर किया जाए, पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर किया जाए, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। उनको शांत किया गया। शांत करने के बाद ये बात सामने आई प्रशांत कुमार की कि हम जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे और इस चीज से वाकई छवि धूमिल हुई है। ऐसी सब बातें नजर आ रही थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी कि उनका कहना था कि गंभीर घटना है जिस कारण से लखनऊ से उन्हें लखीमपुर आना पड़ा। और इसी बीच में शाम को लगभग 5 बजे अभी अभी कुछ ही देर पहले एक खबर अंदर से आई अर्बन कॉपरेटिव बैंक से, जो निर्वाचन अधिकारी की थी और उन्होंने एक नोटिस चस्पा कर दी है कि अर्बन कॉपरेटिव बैंक का ये जो आज चुनाव होना था और जो भी चुनाव है उसको स्थगित कर दिया गया है, जिसमें सीधे निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये जारी किया गया है। और अभी जो हमारे पास सूचना आई है वो व्हाट्सएप से जिला अधिकारी का जो PRO है और जिला अधिकारी के सूचना अधिकारी, उन्होंने भी अभी इसको भेजा है व्हाट्सएप पर, यही नोटिस भेजी है कि लखीमपुर अर्बन कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड के निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इन सब चीजों में अगर देखा जाए तो अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और जो ताजा अपडेट बिल्कुल अभी आया है उसमें जो विधायक समर्थक थे इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का 5 बजे एक था कि 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अर्बन कॉपरेटिव बैंक के सामने जहाँ पे चुनाव हो रहा है उस बिल्डिंग के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत कुमार जब आए हैं IG तो भारी पुलिस ने दबाव किया और शायद उस चीज को इन्होंने स्थगित कर दिया। लेकिन मीडिया का जमावड़ा वहां पे बहुत ज्यादा था। उन्होंने जब विधायक से पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे थे तो साफ तो नहीं आया, लेकिन ये इतना जरूर आया निकल के सामने कि उनका ये कहना था कि जो शराब का आक्षेप लगाया गया है मेरे ऊपर, जो पूर्व चेयरमैन इन पुष्पा सिंह ने कहा है कि उस वक्त भी शराब पिए हुए थे और ये छेड़खानी, उन्होंने कहा ये सब दावे गलत हैं और हम इसकी जांच कराने तैयार हैं। उनका कहना था कि हम 5 बजे इसका टेस्ट भी कराएंगे, सुबह हम वाइन पिए थे कि नहीं पिए थे। और साथ ही रामायण जैसा लोग बता रहे हैं, वो इतनी भीड़ थी वहां पर, वो अभी हमें विजुअल नहीं प्राप्त हो सके हैं, लेकिन फिलहाल जो भीड़ के अंदर हमें पता लगा था उससे ये महसूस प्रियांशु जी हो रहा था कि रामायण मंगाई थी वहां पर और रामायण पे हाथ रख के विधायक बोल रहे थे कि हम शराब नहीं पिए हुए थे, ये सब अनर्गल हमारे ऊपर लिखा बोला जा रहा है। और अंदर खाने से बात आ रही थी कि हम 15 लोगों के ऊपर लगभग FIR दर्ज कराएंगे, नहीं तो धरने पे बैठेंगे। इन सब चीजों को लेकर विधायक काफी गंभीर नजर आ रहे थे। लेकिन जो लगा प्रशांत कुमार जब आए थे भारी पुलिस का जमावड़ा था और उनको समझा बुझा कर वो कहीं ले गए हैं, उनका कहना था हम हर पक्ष की बात सुनेंगे और निश्चित तौर पर इस पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दो तरफ गुट बने हुए हैं प्रियांशु जी, एक तरफ वकीलों का जमावड़ा हो रहा है, एक तरफ विधायकों का जमावड़ा चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये घटना इतनी गंभीर है कि जैसा कि इंडिया ने सुबह ही कहा था कि ये चुनाव स्थगित हो सकते हैं और पारदर्शिता कहीं ना कहीं इसमें बाधित हो रही है, वही हुआ कि शाम होते होते नोटिस आ गई और नोटिस आने के बाद नोटिस चस्पा कर दी गई है और वो नोटिस अपने दर्शकों को इंडिया दिखा भी रहा है। और खासतौर से जिलाधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अर्बन कॉपरेटिव बैंक के चुनाव को स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिलहाल स्थित प्रियांशु जी तनावपूर्ण बनी हुई, प्रशांत कुमार यहीं पर अभी कैंप किए हुए हैं और उनका कहना कि हम हर पहलू पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है
कि कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने बहुत ही दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है कि दोनों गुट भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये छवि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं और प्रशासन खुद इसमें असमंजस की स्थिति में लगता नजर आ रहा है कि कोई भी स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रहा, चाहे कप्तान हो, चाहे एडिशनल एसपी हो और चाहे प्रशांत कुमार हो। हम बात करें आईजी रेंज प्रशांत कुमार की, चाहे हम बात करें पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा की और चाहे हम बात करें गौतम एडिशनल एसपी जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं उनकी, किसी के भी बयान जो इंडिया दिखा रहा है स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से वो पीछे हट रहे हैं और कोई भी चीज स्पष्ट कोई भी नहीं बोल रहा, सभी लोग हर बात को घुमा फिरा के बैठे, क्योंकि कारण इसका प्रियांशु सबसे बड़ा ये है कि दोनों को बहुत ही ताकतवर नजर आ रहे हैं और दोनों जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं दोनों के पास शक्तियां काफी अहम है और भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों पक्ष हैं, इसलिए प्रशासन को भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है और इसमें जनता की नजर भी इस पूरे मामले पर है, लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी की बहुत छवि खराब हो रही है जिले की और पूरे देश में कहा जाए इस मामले का बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कि समाचार आ रहे हैं हम लोग के पास, इंडिया के पास आ रहे हैं, अब नेता भी इस पे ट्वीट करने लगे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे आनंद भदौरिया हो, चाहे अन्य पार्टी के लोग हों, लेकिन इतना जरूर है कि विधायक को मान मलोवर समझाने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ अगर देखा जाए उनके अवधेश सिंह जो बारिशन अध्यक्ष उनके घर पे भी काफी भीड़ लगी हुई है, योगेश वर्मा के घर पे भी काफी भीड़ देखी जा रही है और अर्बन कॉपरेटिव बैंक जहां चुनाव हो रहा उस बिल्डिंग के चारों तरफ लोग मौजूद है, पुलिस उनको लगातार हटा रही है कि किसी तरीके का जमावड़ा ना हो, लेकिन जो विजुअल आप देख सकते हैं कि विधायक के साथ लगभग 100, 200, 300 आदमी लगातार बने हुए हैं, नारेबाजी करते हैं और वो कह रहे हैं सीधे कि हमारा विधायक मारा गया, हमारा विधायक पीटा गया, इस चीज के लिए एक्शन होना चाहिए, अगर प्रशासन नहीं लेता है तो हम लोग धरने पे बैठेंगे और एफआईआर जरूर करेंगे। जी प्रियांशु जी, सर एक अहम जानकारी चाहेंगे, आपने एक जानकारी दी है कि जो विधायक हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो क्या हालत है अभी इस वक्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी पुलिस ने मना कर दिया है या उनसे मान मनोवल की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ना करें? बिल्कुल ठीक प्रियांशु जी, ये बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने 5 बजे बोली थी कि जैसे ही ये प्रक्रिया थोड़ी खत्म होगी, तो विधायक ने खुद ही कहा था, पूरी मीडिया वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि हम इसके सामने जो अर्बन कैपिटल बैंक की बिल्डिंग से सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद होगा कि हम सीधे अपनी बात बताएंगे और उनका विशेष रूप से शायद ये कहना लग रहा था कि जो पूर्व चेयरमैन पुष्पा सिंह अवधेश सिंह जिन्होंने पार्षद अध्यक्ष जिनका चाटा प्रकरण हुआ, जिन्होंने झापड़ मारा था सुबह, उन्होंने जो बयान दिए हैं पुष्पा सिंह ने उसका वो खंडन करने वाले थे, उनका कहना था हम पूरी मीडिया को ये चीज बताएंगे, रामायण पे हम हाथ रख के सौगंध खाएंगे, उनके एक विनोद गुप्ता हैं जिनके बयान भी आ रहे थे साथ में कि वो रामायण लेके आएंगे, साथ ही 5 डॉक्टरों को लाएंगे जो मौके पर ही टेस्टिंग करेंगे और इस चीज की पुष्टि करेंगे कि सुबह विधायक शराब नहीं पिए हुए थे, इन सब बातों को लेके वो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन चूंकि 5 बज चुका है, ठीक 5 बजे जब बजने वाला था उसी समय लगभग उससे 5-10 मिनट पहले आईजी लखनऊ रेंज प्रशांत कुमार उसी घटना स्थल पर पहुंच गए जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और वहां पर अफरा तफरी हुई, लेकिन उसी कारण से शायद हमें लग रहा वो सबसे पहले विधायक को लेके गए थे जो एक कॉलेज है पास में उसके परिसर में लेके गए थे, काफी समझाया, फिर वहां जब पहुंचे प्रशांत तो वहां से निकलने के बाद मीडिया को कोई जवाब नहीं दे पाए हैं, मीडिया ने हर प्रकार के प्रश्न किए लेकिन कोई भी जवाब उनका संतुष्टिपूर्ण नहीं था, हर जवाब प्रशांत कुमार का भी गोलमोल था और जांच की वो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों गुटों की ताकत देखकर दोनों गुट सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, इस कारण से ये चीजें अभी पारदर्शी नहीं बन पाई, प्रशासन और शासन दोनों असमंजस की स्थिति में है कि इसमें किया क्या जाए। और रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वहां का माहौल है और अभी पुलिस वहां पे लगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शायद संभव नहीं हो पा रहा है और उन्होंने विधायक को समझाया है कि अभी कुछ देर रुकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि विधायक ने एक रामायण मंगाई थी वो भी जल्दबाजी में विधायक निकले हैं, उनको भी पुलिस कहीं ना कहीं ले जा रही है, ये सब चीजें हो रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा जो था वो अभी फिलहाल अभी नहीं नजर आ रहा है और वो किसी ना किसी तरीके से प्रशांत कुमार चूंकि वहां आ गए हैं इस कारण से पुलिस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने नहीं दे रही है और विधायक भी शायद किन्हीं चीजों पर राजी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है कुछ देर के बाद करें या अपने बयान को बाद में बताएं, चूंकि दोनों गुटों की तरफ से अभी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन विधायक लगातार FIR पे डटे हुए हैं और उन्होंने नाम भी बता दिए हैं कि 15 लोगों के खिलाफ वो FIR करेंगे जिन्होंने ये हरकत की है,
मारपीट की है और साथ ही उनका शराब का जो दावा लगा रहे हैं उसको खंडन करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जो चेयरमैन पद की कुर्सी है, अब केवल वो एक कुर्सी के लिए चुनाव नहीं है, अब इसमें प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसलिए आज लखीमपुर खीरी में जमकर बवाल हुआ। बार अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सदर विधायक योगेश वर्मा को खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारा था और जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। विधायक समर्थकों ने बैंक का घेराव किया था। मौके पर पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा भी पहुंचे थे, हालातों की जानकारी ली थी और हालात को नियंत्रण भी किया था और विधायक योगेश वर्मा के साथ अवधेश सिंह से भी बात की थी। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हकीकत को परखने के लिए आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सदर विधायक योगेश वर्मा से बात की, उन्हें समझाया बुझाया और किसी भी प्रकार की कोई अड़चन डालने के लिए भी उनसे मना किया, मान मनोवल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। पहले हम आपको वो सुना देते हैं। देखिए, वाद विवाद की जानकारी मिली, जिस संबंध में मैं आया हूँ, हम जांच कर रहे हैं क्या चुनाव थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था, जिसमें कुछ भैया पास और शुरू हुआ पीछे कर लो भाई, और मैं पूरे मामले को गंभीरता से, अरे यार आईडी का ये खाला ना अंदर कर लो भैया, जो आवश्यक कार्रवाई है। देखिए, बहुत सारी इन सारी चीज़ों पर हम अभी वर्तमान में कमेंट्स नहीं दे सकते, अभी जस्ट मैं आया हूँ, मुझे सभी संबंधित से बात कर लेनी थी। सर, विधायक के साथ घटनाक्रम जो है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, विधायक की जो साथ घटनाक्रम हुआ है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई क्या की जाएगी? आई साहब सारे बिंदुओं को उसको देख रहे हैं, उन बिंदुओं के फाइनल रिजल्ट पे तो आने दीजिए। गिरफ्तारी होगी सर? हुआ क्यों हुआ? इन फेलियर के मामले में, प्रशासन के फेलियर के बारे में हम कमेंट तभी कर सकते हैं जब हम पूरे सारे फैक्ट्स को जान लें। कर लेने दीजिए, क्या मैटर है वो देख रहे हैं, हम सारी चीजों को देख रहे हैं, उसमें कैसे हुआ क्या घटना हुई उसकी। तो आपने सुना कि आईजी रेंज लखनऊ जो प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अभी वो पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी, उन्होंने वो सबसे बात कर रहे हैं और जो थप्पड़ मारने वाला कांड हुआ था उसकी भी वो जांच कर रहे हैं और ये भी कहा है उन्होंने कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी वो सबसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और क्या फीडबैक निकल कर आता है उसके बाद कोई वो किसी अंजाम तक पहुंचेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट, जो लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होना था, आपको बताएं आज 9 अक्टूबर को जो डेलीगेट पद के पर्चे हैं या नामांकन पत्र दाखिल करने थे और इसके बाद यही डेलीगेट डायरेक्टर चुनते और डायरेक्टर जो है वो चेयरमैन चुनते, तो आज पर्चा दाखिला होना था डेलीगेट पद का और इस दौरान जमकर बवाल हुआ और बवाल को देखते हुए लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है और ये निर्वाचन अधिकारी लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा एक पोस्टर चस्पा किया गया है बैंक के बाहर और ये सूचना दी गई है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का चुनाव जो है फिलहाल स्थगित कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो मामला है काफी गंभीर हो चुका है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही दो गुट आमने सामने हैं और थप्पड़ कांड के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, शासन प्रशासन पर आरोप गंभीर लग रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार की भी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। फिलहाल आई इंडिया की बराबर इस मामले पर नजर है, पल पल की अपडेट आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है और सर इस मामले पर आप बराबर नजर बनाए रखिएगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं विधायक योगेश वर्मा और उसमें कोई बड़ा खुलासा करते हैं वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे और इन तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।